जैसे पटना हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आ रही है आप सभी के लिए। आप सभी जानकर चौंक जाएंगे। अगर आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सभी को आवेदन करनी है जो लाइब्रेरी असिस्टेंस के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है 2022 के लिए। अगर आप सभी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई पर इस पर क्लिक करनी होगी। अगर आप सभी नोटिफिकेशन को लेकर जाना चाहते हो तो व्यू नोटिफिकेशन पर क्लिक करनी होगी। यहाँ से नोटिफिकेशन को लेकर सारी डिटेल्स दे दी गई है, पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद आप सभी को ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर बताएंगे। तो नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे आप सभी को ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी जो 14 पेज का पीडीएफ है। आप सभी को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है जो लाइब्रेरी असिस्टेंस और रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022 की। अगर आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आप सभी कब से आवेदन कर सकते हैं, तो 11 जुलाई से लास्ट डेट कब तक रखी गई है, तो 24 जुलाई तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए तो पेमेंट कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो 26 जुलाई तक आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी की बात की जाए तो एग्जाम कब तक होगी, सीबीटी एग्जाम 16 अगस्त को आप सभी को एग्जाम ली जाएगी। अब बात करते हैं आप सभी को लाइब्रेरी असिस्टेंस की पोस्ट है ग्रुप सी लेवल की। अगर आप सभी की बात की जाए तो सैलरी क्या होगी लेवल टू में, तो 19,900 रुपया होगी। वहीं लेवल सेवन में आप सभी को 63,200 रुपया हो जाएगी। अभी अभी नोटिफिकेशन आ रही है। वैकेंसी की डिटेल्स की बात की जाए तो सारी वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ दे दी गई है, तो आप सभी वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं एज कैटेगरी क्या रखी गई इसके लिए। अगर आप सभी 18 साल के हो गए तो आप सभी आवेदन कर सकते हो। अगर आप सभी 1 जनवरी 2022 तक 18 साल हो गया है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 47 ईयर होनी चाहिए, उससे अधिक स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। आगे की बात की जाए आप सभी को एग्जामिनेशन मोड क्या होगी, आप सभी एग्जाम किस पैटर्न पर ली जाएगी, तो आप सभी को रिटन एग्जाम ली जाएगी जो आप सभी के एमसीक्यू होगी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप की। अब बात करते हैं सेकेंड में आप सभी को कंप्यूटर बेस आप सभी एग्जाम ली जाएगी। अगर आप सभी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी को होनी चाहिए, अगर आप सभी को रिटन टेस्ट के लिए 40% होनी चाहिए और कंप्यूटर बेस आप सभी एग्जाम ली जाएगी उसमें 30% मार्क्स लाना जरूरत है, तभी आप सभी पास कर जाएंगे। उसके बाद आप सभी बात की जाए सिलेबस क्या होगी, सिलेबस को लेकर सारी डिटेल्स दे दी गई है। लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नरेशन और वॉइस और एंटोनिम सिनोनिम्स स्पेलिंग और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद आप सभी को रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की क्वेश्चन बात की जाए तो ये भी आप सभी को 20 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। अब बात की जाए आप सभी को कितनी अमाउंट लगेंगे आवेदन करते समय, अप्लीकेशन फी की बात की जाए तो 1,000 पर लगेंगे। अगर आप सभी जनरल ओबीसी के स्टूडेंट होंगे तभी 1,000 पर पे करनी होगी। अगर एसी एसटी के स्टूडेंट होंगे तो 500 रुपये अप्लीकेशन फी रखी गई है, प्लस आप सभी को एक्स्ट्रा साइबर कैब चार्ज देनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर को लेकर, एग्जाम सेंटर किस सिटी में होगी, तो एग्जाम सेंटर पहले नंबर में आप सभी को पटना में होगी, सेकेंड नंबर मुजफ्फरपुर, थर्ड नंबर भागलपुर में एग्जाम सेंटर बनाई जाएगी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आप सभी किन वेबसाइट पर आप सभी को आवेदन करनी होगी, तो www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आप सभी को ऑनलाइन करनी होगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, अभी अभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप सभी को पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए कलरफुल, तभी आप सभी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी सेल्फी वाला फोटो अपलोड करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद आप सभी को स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी को निवास हो जाते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होते हैं जो बोलते हैं जाति ब्लॉक लेवल से बनवाई जाती है, वो भी आप सभी को अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप सभी को डिप्लोमा सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस की होनी चाहिए या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की होनी चाहिए, फ्रॉम इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट की मान्यता होनी चाहिए, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप सभी को लिस्ट 6 मंथ कोर्स, कम से कम आप सभी को 6 मंथ का कोर्स होनी चाहिए कंप्यूटर कोर्स जो किसी इंस्टीट्यूट के से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए।
उसके बाद आप सभी को सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप सभी फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पहले आप सभी को रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप सभी को ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आप सभी को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दे दी जाएगी। वहाँ उस नंबर पर आप सभी को यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगी, उसको लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देनी होगी। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई। अगर आपसे वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दे मेरे चैनल पर, पहली बार सब्सक्राइब भी कर ले, हर दिन की छोटी बड़ी अपडेट इस पर दिखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।